पीछे गेट दिख रहा है ना, यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो को एंड कर दिया था और वहाँ से अगले वीडियो की शुरुआत भी कर दी है। और ये पीछे से हम आगे की तरफ आ गए हैं। ये सारा जो आपको व्यू दिख रहा है ना, ये सारा लाल किले के अंदर का है, ठीक है। और अंदर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये देखिए, ये सारा जो एरिया है ये लाल किले के अंदर का है। और जहाँ जहाँ हमें अच्छा लगा वहाँ वहाँ से हम थोड़ा थोड़ा सा शूट करते रहे। सारा तो नहीं कर सकते। नहर बहिस्त पानी को नदी से सहा बुजुर्ग तक उठाया जाता था और नालियों द्वारा विभिन्न महलों को ठंडा रखने के लिए ले जाया जाता था, ठीक है। ये लिखा हुआ था यहाँ पर। और ये एरिया पूरा देखिए, ये पेड़ पौधे हरियाली, हर एक प्रकार के फूल, बहुत अच्छी सी कटिंग। ये देखिए आगे चले गए किसान मित्र और मैं थोड़ा पीछे पीछे जा रही हूँ। ये भाई यहाँ पर फोटो शूट हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो सारे किसान मित्र 10-15 जितने भी इकट्ठे, मतलब हर एक जगह एंजॉय करते रहे। लाल किले का ये बहुत ये तीन रुक जाओ फिर आगे जिया गौर कर ले साफ। सोच रखना पे क्या क्या बोलना, सोचना क्या है पहले बताओ आप। जिसको पूरा पता नहीं वैसे बोल जाओ। हमारे जो होती है माकड़ू, माकड़ू नहीं इसको जूफा बोलते हैं। नहीं बोलो जो काम क्या दवा क्या है ये जहां कुत्तू का नहीं इसे बोलते कुत्तू का अलग गोल लुगो दी जख्म इया पीसी लगाई दा से नहीं आए से नहीं आए ते त्यास को थड़का बोलूंगा ना से नहीं क्या काम आता है। लो जी इनको फेल कर दिया गया। ये लाओ जी रिजेक्ट हो गए और बाकी लोग आगे आगे जा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। और हम इस पाली तरफ से यहाँ से घूमकर और वहाँ वहाँ से घूम घूमकर यहाँ तक पहुँच गए। और अब इन जो हमारे साथ हिमाचल से भाई बहन आए हैं ये भी कैमरे के सामने अपनी स्पीच देना चाहते हैं, कुछ लाल किले के बारे में बोलना चाहते हैं। और इनको घर से निकले हुए कितने दिन हो गए और कैसा इनका अनुभव रहा दिल्ली में, और कौन कौन पहली बार आए दिल्ली में और कैसा इनको महसूस हुआ, ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन बोल रहे थे थोड़ी देर में रेस्ट कर लेते हैं, धूप बहुत ज़्यादा है। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। और इस ब्लॉग की शुरुआत हम यहाँ लाल किले से कर रहे हैं और जो हमारे साथ हिमाचल से हमारे भाई बहन आए हैं वो भी कैमरे के सामने अपना अनुभव रखना चाहते हैं। मैं आपको बैक कैमरे से इनसे रूबरू करवाती हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे भैया कहाँ से हो आप? बद्दी नालागढ़ से हैं ये। हम जो सुबह हम 4:30 बजे चले गए थे गाजीपुर, फ्लावर मंडी है वहाँ पर थोड़ा बहुत इंजॉय किया और उसके बाद हमारा नाश्ता हुआ। तो नाश्ते में क्या कुछ बना था और कैसा इनका अनुभव रहा ये आपके साथ ये भाई जी शेयर करेंगे, ठीक है। तो कुछ लोग आगे पीछे हो गए, हमारे भाई बहन चले गए और कुछ दीदियाँ और कुछ भाई हमारे साथ हैं। तो हमारे स्पीच देंगे भाई जी जो नालागढ़ बद्दी से हैं। तो सुबह भाई जी नाश्ते में क्या बना था सुबह? नाश्ते में बना था लस्सी को उबाल के तड़का मार के दे दिया कि लो जी ये आपका नाश्ता। अच्छा वो नाश्ता नहीं था तो दर्द बढ़ती है। बाकी जो 3 दिन हमारे पीछे रहे उसका एक्सपीरियंस, खाना पीना नाश्ता लंच डिनर जो भी था वो सही था, तकरीबन सही था, तकरीबन सारा नहीं पर तकरीबन सही था। अच्छा बाकी आज तो इन्होंने मतलब पूरा खत्म ही कर दिया कि हलवे में पता नहीं नमक डाल दिया क्या, डाल के भून गए या मीठा डालना था, ये नमक डल गया ये पता नहीं। शायद दिल्ली वाले नाश्ता ही ऐसा करते होंगे। पर ये साउथ की डिश बता रहे हैं, कुछ पोहा पुआ ऐसा कुछ बता रहे थे। अच्छा समझ नहीं आया कि हमारे लिए तो ऐसा था कि जैसे हलवे में नमक डाल के मिर्ची डाल के वो दे दिया हमें। अच्छा जानबूझ के डाला नमक या अनजाने में डाला इसके बात का कोई पता नहीं है। क्या पता साउथ का है तो साउथ में अच्छा लगेगा, हमें तो हिमाचल वासी है, हम तो ये अपना सीधा स्वच्छ खाना खाते हैं। मक्की की रोटी सरसों का साग, दाल चावल, कढ़ी साथ में घी मिल जाए, यहाँ ज्यादा फेमस होता है। चलो।
जो हिमाचल से आए हैं तो ये दूसरे भी कुछ कैमरे के सामने बोलना चाहते हैं, और इनसे हम पूछेंगे कि हम हिमाचल से आए हुए, हमारे को आज तीसरा दिन है कि चौथा दिन है, तो चार दिन का अनुभव दिल्ली में कैसा रहा, मौसम कैसा था, गर्मी कैसी थी, इस बारे में थोड़ा सा ये। हाँ जी बिट्टू जी बताएंगे, बिट्टू नाम ही है ना। हाँ जी बोलो। हमारा दिल्ली में आना हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा, और हम कुछ जगहों पर ऐसे भी घूमे जिसमें सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया। अच्छा। खाना भी चलो बहुत बढ़िया मिला, और रहने की व्यवस्था भी अच्छी रही। मच्छर वगैरह कितने थे? मच्छर ने एक रात तो काटा, रात को हमने दूसरी रात को छोड़ दिया, तीसरी रात को फिर काट दिया, शुरू कर दिया। तो आज देखते हैं चौथी रात है तो हम शायद घर ही निकल जाएं। रात को कोई पक्का नहीं है, कोई पक्का नहीं इस बात का। पर जो हमारे साथ जितने भी गाइस आए हुए हैं वो सभी खुश हैं, टूर से भी और हर फैसिलिटी से। तो आप दिल्ली में पहली बार आए कि पहले भी कभी आए? पहले भी मैं आया था। अच्छा। इस बार हम घूमे, एंजॉय किया, सभी के साथ मिले, बातें की, और दो भाई हमारे गोरे जिनको अंग्रेज बोलते हैं उनके साथ थोड़ी स्नैप भी ली। अच्छा। और बहुत ही आनंद अनुभव हुआ, और हमने कुछ नीचे घूमे, इधर उधर हम घूमे, और वहाँ फूल मंडी गाजीपुर, वहाँ भी एंजॉय लिया, सब्जी मंडी, मछली का वहाँ वो है उसमें भी गए, तो हम बहुत बढ़िया। और गर्मी तो हमारे बिलासपुर से थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर, थोड़ा नहीं भी, हमें तो बहुत ज़्यादा लग रही है बिलासपुर से, ज़्यादा लग रही है क्योंकि हमारा जो हिमाचल का वो थोड़ा डाउन है। और दिल्ली का नंबर थोड़ा भारी है, पर हम जो रहे ज़्यादा बस हमारे पास रूमों में भी हमारे एसी लगे हुए हैं, मतलब सारी फैसिलिटी, हमें फुल फैसिलिटी मिली, मतलब किसानों के लिए जो भी रहा अच्छा रहा। और इसमें एग्रीकल्चर वालों का बहुत भारी धन्यवाद करते हैं। तो ठीक है भाई, धन्यवाद, थैंक यू। तो यहाँ से लग गए हैं वीडियो शूटने और फोटो वगैरह का काम। तो देखिए ये हथियार है अंदर के, और यहाँ अब हम अंदर आ गए हैं अब, ठीक है। जो बाहर का व्यू था वो मैंने आपके साथ थोड़ा थोड़ा सा शेयर कर दिया है, क्योंकि लाल किले जो दिल्ली से है उनको पता है कि लाल किला कितना लंबा चौड़ा है, तो हमने थोड़ा थोड़ा सा जितना हमारे से हो सका हमने शूट किया है। अब ये अंदर का ही है जो कुछ भी है, ठीक है। तो ये लकड़ी का है जो नीचे है, ये वाला है पूरी लकड़ी लगी हुई है। तो यहाँ से हम ऊपली मंजिल भी गए, नीचे से भी जो हमें अच्छा लगा वो मैंने उसकी वीडियो शूट कर ली है, क्योंकि टाइम निकल जाता है, यादें रह जाती हैं। तो चलो पता नहीं आने वाला वक्त कैसा आएगा, लेकिन हमें तो एक यादगार रह जाएगी कि हम दिल्ली गए थे, लाल किले में हमने ये वहाँ से शूट किया है, ठीक है। तो ये इतिहास के बारे में पूरा लिखा हुआ है, तो इतना टाइम भी नहीं था हमारे पास कि हम इसे पढ़कर अपनी वीडियो में कैप्चर कर सके, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करेंगे, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और कोई गलती होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और अगला जो वीडियो होगा वो अक्षरधाम का होगा, और इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। जय श्री राम।